तो जैसे मैंने बता दिया स्टूडेंट कॉलेज का क्या चक्कर होता है, एडमिशन टेस्ट चाहिए होता है उसके लिए, एडमिशन टेस्ट क्लियर हो। मैंने अपना, मैं पर्सनली बताऊंगा, मैंने 9 स्टूडेंट कॉलेज में अप्लाई करा था, 9 में अप्लाई करा था मैंने, जिसमें से मैं एक का पेपर दे नहीं पाया फ्रैंकफर्ट का, 2 के पेपर मैंने खुद नहीं दिए थे, बाकी मेरे 4 क्लियर हुए थे और 2 में मैं रह गया था। तो यार ऐसा सीन होता है कि जितने ऑप्शन ज्यादा रहेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। अब मैं बताऊं कि गलती ये नहीं करनी है, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। जो अगर जिसने इस साल अपनी 12th क्लियर करी है, वो ट्राई कर रहे हैं कि मैं अगले साल समर सेमेस्टर में आ जाऊं, तो उसके लिए जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अप्रैल मई में लैंग्वेज लो, जितना जल्दी हो सके B1 का पेपर दो और अपनी वीजा की अपॉइंटमेंट लो। भाई वीजा के अपॉइंटमेंट का बहुत पंगा रहता है इस साल, 90 से कम वालों को मिल नहीं रही अपॉइंटमेंट, बहुत मुश्किलों से मिल रही है 90 से कम वालों को। मेरे 12th में 92 थे तो मुझे मिल गई थी, मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो कोशिश ये करो यार, अपने 12th में जितने अच्छे नंबर आ सके ना उतना अच्छा रहेगा। 90+ वालों को एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि उन्हें वीजा मिला है, बाकी 90 से लेस वालों को दो दो सेमेस्टर वेस्ट हो रहे हैं। तो यार जितना अच्छा होगा, सबसे पहले अपनी 12th पे फोकस करना है, फिर अपना लैंग्वेज पे फोकस करना है। 12th में जितने अच्छे मार्क्स आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लैंग्वेज करी, अक्टूबर तक मैं कहूंगा कि आपके पास सर्टिफिकेट होगा, बहुत अच्छी बात है, अक्टूबर तक नहीं तो नवंबर तक, और वरना नवंबर मिड में अपनी अपॉइंटमेंट ले लो, VFS की अपॉइंटमेंट नवंबर मिड की ले लेना। क्यों? अब आप सोचोगे कि यार मेरे पास सर्टिफिकेट तो है नहीं गोएथे का, क्योंकि अप्लाई करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स है, ब्लॉक्ड अकाउंट है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है, वो कहाँ से लाए? तो अब उसके लिए मैं बताता हूँ भाई, एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टांस, वो क्या कहती है कि आप हमें अपना पार्टिसिपेशन का दे दो सर्टिफिकेट, जो आप यूनिवर्सिटी जहां पे आप लैंग्वेज स्कूल में पढ़ रहे हो वहां का पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट बनवाओ कि मैं B1 या B2 में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, अभी लैंग्वेज कर रहा हूँ मैं इसमें, और मैं आपको जब मेरा एग्जाम होगा उससे 3 हफ्ते पहले वो सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो आप सबसे पहले, मेरी रिकमेंडेशन है जल्दी कराना है काम, तो अपना लैंग्वेज शुरू करी जून जुलाई में, नवंबर मिड की हो सके तो अपॉइंटमेंट के लिए लग जाओ भाई, क्योंकि अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता है। नवंबर मिड की अपॉइंटमेंट के लिए लग जाओ, क्या करो अक्टूबर नवंबर मिड की अपॉइंटमेंट मिल जाए बहुत अच्छा है, शुरू से ही लग जाओ कि मुझे नवंबर मिड की अपॉइंटमेंट चाहिए, VFS से बात करो, क्योंकि बाद की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, नवंबर मिड की अपॉइंटमेंट चाहिए मुझे, बात करके रखो। अक्टूबर में क्या करो, अक्टूबर स्टार्टिंग में अपने जो जहां पे यूनिवर्सिटी, जहां पे आप कॉलेज में, सॉरी कॉलेज कह रहा हूँ, जहां पे लैंग्वेज आप सीख रहे हो वहां पे कहो कि मुझे पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट दो कि मैं यहाँ पे B1 सीख रहा हूँ, तो मैं B1 का पार्टिसिपेशन का एक सर्टिफिकेट बन जाएगा। आप जाओ कॉन्स्टेंस स्टूडेंट कॉलेज में, कॉन्स्टेंस स्टूडेंट कॉलेज में अप्लाई करो कि मुझे भाई वहां पे उनका क्राइटेरिया है कि आप B1 के पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट से वो अपना लेटर दे देते हैं। ये बहुत अच्छा एडवांटेज है अगर जिसको अपना वीजा जल्दी चाहिए तो। अक्टूबर स्टार्टिंग में ही वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, पासपोर्ट की कॉपी होती है, अपने 12th 10th के सर्टिफिकेट्स होते हैं, और बाकी लैंग्वेज B1 का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होता है, और बस यही, ज्यादा कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता, और उनका एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो भेज दो, वो अप्रोक्स अप्रोक्स 15 से 20 दिन लगाएंगे और वो आपको इन्विटेशन लेटर दे देंगे। तो यार मैं वीडियो एडिट कर रहा था, ये जो मैंने कॉन्स्टांस के बारे में बताया, पहले तो बात तो ये हॉक्शुले कॉन्स्टांस है, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टांस में मिक्स मत हो जाना, स्टूडेंट कॉलेज हॉक्शुले कॉन्स्टांस का, ठीक है। और दूसरी बात मैं कह रहा था, इसके लिए ना नोटराइज डॉक्यूमेंट्स चलते हैं जो कि एम्बेसी नोटराइज कराती है, तो ये थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट कह सकते हैं कि हम डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स से अप्लाई नहीं कर सकते, एम्बेसी से, जो दिल्ली एम्बेसी है, जहां पे भी एम्बेसी है, जर्मन एम्बेसी, वहां पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वो हमें अपॉइंटमेंट देगी, हम वहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट नोटराइज कराएंगे। 3 कॉपी फ्री होती है मेरे हिसाब से, मेरे टाइम पे 3 कॉपी फ्री थी तो मैंने 3 कॉपी करा ली थी, वो प्रूफ मांगते हैं कि यूनिवर्सिटी नोटराइज डॉक्यूमेंट मांग रही है, तो प्रूफ वो हम प्रूफ दिखा सकते हैं, ये इनकी साइट पे लिखा होता है। तो इसलिए अगर मैं अक्टूबर में डॉक्यूमेंट भेजने की बोल रहा हूँ तो 10-15 दिन पहले रखना कि अपना यार वहां पे एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लो, सितंबर मिड में एम्बेसी में अपॉइंटमेंट ले लो कि मुझे डॉक्यूमेंट नोटराइज कराने, तो फिर वो भी उनके ऊपर है कि कब मिलेगी अपॉइंटमेंट, तो इस हिसाब से थोड़ा टाइम लेके चलना, नोटराइज डॉक्यूमेंट जरूरी है कॉन्स्टेंस के लिए। तो अक्टूबर एंड तक मैं एक जस्ट एक सोच रहा हूं कि अक्टूबर एंड तक आपके पास, अगर आपने अक्टूबर स्टार्टिंग में कॉन्स्टेंस में अप्लाई कर दिया तो अक्टूबर एंड में आपके पास एक सर्टिफिकेट, आप एक इनविटेशन आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, एक इनविटेशन ही इनफ है अगर आपको अप्लाई करना है तो भाई करो, टाइम मत वेस्ट, अक्टूबर की स्टार्टिंग में जो भी देख रहा है अक्टूबर की स्टार्टिंग में कर दो वो अप्लाई,
अक्टूबर एंड में आ जाएगा। ये मैं समर सेमेस्टर की बात करूँ, विंटर सेमेस्टर की भी सेम है, जो जुलाई में हो रहा है वहां पे जुलाई में 15 जुलाई डेडलाइन होती है उनकी। तो ऐसे ही अपना पहले स्टार्ट करके रखो, मतलब मार्च अप्रैल में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके कौनसा में भेज दो कि जितनी जल्दी हो सके वो आ जाए। तो आप अपना, अगर आप विंटर सेमेस्टर की ट्राई कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट अप्रैल मई में मिल जानी चाहिए। मई, अगर मई स्टार्टिंग या मई मिड में अपॉइंटमेंट मिल गई तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने कौनसा से इन्विटेशन मंगा लिया, अक्टूबर एंड तक मैं अगर कह रहा हूँ कि अक्टूबर एंड तक आ भी गया आपके पास, तो नवंबर मिड की अपॉइंटमेंट है तो फिर भी 15 दिन है। ब्लॉक अकाउंट खुलवाना, कवर लेटर बनाना, जो भी सारे पंगे होते हैं इनके, वो सब आप कर सकते हो नवंबर मिड में। आपका वीजा मान लो अप्लाई हो गया, कैसे होता है सब अप्लाई मैं बताऊंगा, एक सिर्फ रफ आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या करना है, सब चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। नवंबर मिड में आपने वीजा अप्लाई कर दिया, महीना लगता है पूरा कंफर्मेशन आने में, महीना महीना, वो सारे पेपर जर्मनी जाते हैं, सब कंफर्मेशन होती है, बहुत महीना लगता है। तो नवंबर मिड से दिसंबर मिड मान रहा हूँ कि दिसंबर मिड में आपका आ गया, अगर किस्मत अच्छी तो पहले भी आ गया वरना बाद में भी, कैसे भी आ गया। दिसंबर मिड में अगर आपके पास अपना वीजा अप्रूवल आ गया, फिर आपको पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए देना है। पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए जाएगा, उसमें भी 8-10 दिन लग जाते हैं, मेरे ज्यादा, मेरे 15 दिन लग गए थे क्योंकि उस टाइम न्यू ईयर की छुट्टियां आ रही थी, जनवरी स्टार्टिंग में था मेरा, तो उससे मेरे ज्यादा टाइम लग गया था। तो अगर आपके पास जनवरी स्टार्टिंग में वीजा आ गया तो आप जनवरी मिड में यहाँ फ्लाई कर सकते हो और सारे पेपर दे सकते हो। तो यार मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूंगा और बताना, ये मैंने एक रफ आइडिया दी कि कैसे कैसे करो। भाई प्रॉब्लम बड़ी होती है, मेरा पेपर छूटा, मैंने बताया क्या क्या कर सकते हो। मेरी गलती थी कि मैंने थोड़ा लेट अप्लाई करा, लेट अप्लाई हो गया था मेरा, तो उससे बचने के लिए अक्टूबर स्टार्टिंग में कौन सा में करो अप्लाई। स्टूडेंट कॉलेज में मैंने बता दिया क्या होता है, उसका पहले ऑफनामे प्रूफिंग देना पड़ता है, उसके बाद एडमिशन होता है। और यार ये मतलब नहीं है कि पेपर बस क्लियर करना है, रैंक लानी होती है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं पेपर देने, अलग अलग कंट्री के आते हैं, तो उन सब ने भी लैंग्वेज सीखी होती है, उन सब ने भी मैच करा होता है। तो फिर आपको सिर्फ पेपर क्लियर नहीं करना, पेपर क्लियर करने का क्राइटेरिया मान लो उन्होंने कह दिया कि 50% पे क्लियर है, 60% पे क्लियर है, हमें नहीं करना, हमें रैंक लानी है। क्योंकि सीट होती है सिर्फ 20 या 25 सीट होती है एक कोर्स में, तो आपको कम से कम उतनी रैंक लानी है तभी आप पेपर क्लियर हो पाएगा, वरना नहीं हो। पेपर क्लियर हो गया अच्छी बात है, बट रैंक लानी है, वरना पेपर क्लियर करने का कोई फायदा नहीं है। तो उतनी जितनी अच्छी जर्मन होगी, उतने अच्छे, जितने ज्यादा आंसर सही होंगे उतनी अच्छी रैंक आएगी, तभी फायदा है। तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि भाई अपना तो तुमने अगर अक्टूबर स्टार्टिंग में कर लिया ये, उसके बाद क्या करना है, और भी कॉलेज में तो अप्लाई करना है ना, तो उसके बाद क्या करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तक के लिए कोई डाउट हो भाई व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिए, ज्वाइन करो, इंस्टा पे करो मैसेज, मना थोड़ी है, बाकी कमेंट में करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताऊंगा और डिटेल में, बाय। और बाकी भाई मैंने एक ना लेट से लेट कहा है कि लेट से लेट अगर नवंबर की अपॉइंटमेंट मिल रही है तो ले लो, क्योंकि यार नवंबर लेट से लेट का है। अगर अगस्त की सॉरी अक्टूबर की भी मिल रही है तो यार बहुत पहले मिल जाए तो अच्छा है, लेट मिले तो प्रॉब्लम है, पहले तो जितनी जल्दी मिल जाए। कई इंस्टीट्यूट है ऐसे जो यार 2-2.5 महीने में भी B1 करा देते हैं, तो यार जितना अच्छा हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए वो उतना बढ़िया है। बस मैंने एक लेट से लेट एक रफ आइडिया लगाया कि अगर लेट से लेट नवंबर तक भी अगर बात पहुंच रही है तो अक्टूबर में अपना कॉन्स्टांस का लेके रख सकते हो, अक्टूबर से पहले भी अपना वो कॉन्स्टांस से मंगा सकते हो। मैंने बस एक आइडिया दिया कि अगर लेट हो जाए यार तो नवंबर से लेट ना हो, वो कैसे बच सकता है, जो मेरे से गलती हुई मैंने वो बताया। बाकी इंस्टीट्यूट है जो पहले B1 B2 भी करा देते, मैंने सुना है कि 4-4.5 महीने में B2 भी हो जाती है, तो वो उल्टा और अच्छा है, तब तक तो B2 का सर्टिफिकेट होगा यार, तो यूनिवर्सिटी हो जाती है ज्यादा। कई यूनिवर्सिटीज हैं जिनका क्राइटेरिया B2 है, कई है जिनका B1 है। तो बस ये मैंने था कि अगर लेट से लेट भी हो तो नवंबर मिड से लेट मत कराना, वो बहुत लेट हो जाएगा। मेरी नवंबर एंड की अपॉइंटमेंट थी, मेरा लेट हो गया था, अक्टूबर में हो जाए भाई बेस्ट है, वीजा पहले आ जाएगा प्रॉब्लम नहीं है, वीजा लेट आएगा तो प्रॉब्लम है। तो बस यही था मेरा, अगली वीडियो में मिलता है बाकी।